नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ठीक है और जो ये क्वेश्चन होंगे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सी बोर्ड के लिए इससे पहले भी हम लोग ने तीन या चार जो भी वीडियोज डाले हैं एम के उसको जरूर देख लीजिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ डैश फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड तो म्यूकस किसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है तो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और कौन से एसिड तो से तो एच से प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू पायरुवेट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाउ मेनी कार्बन आइटम्स तो पायरुवेट में कितने कार्बन आइटम्स होते हैं तो पायरुवेट में थ्री कार्बन आइटम्स होते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें कहा गया फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स तो स्टमक से फूड कहाँ एंटर करता है तो स्टमक से फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इन टू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वलिंग ठीक है तो आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट कैनाल लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है और इसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि इट इज फिटेड इन टू अ कॉम्पैक्ट स्पेस ये कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से ए ऑप्शन दिया गया है लिवर बी ऑप्शन दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन डी सी ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी ऑप्शन इज एनस तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी ऑप्शन दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं इसमें कहा गया हर्बी वोर्स ईटिंग ग्रास नीड्स अलॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउड द डैश टू बी डाइजेस्टेड देखिए हरबी वोर्स जो होते हैं उनको क्योंकि घास खानी होती है और घास खाने के लिए आपको पता है जो इंटेस्टाइन होते हैं वो लंबे होने चाहिए अब घास में ऐसा क्या है कौन सी चीज डाइजेस्ट होनी होती है तो ए ऑप्शन दिया गया फैट्स बी ऑप्शन इज़ विटामस सी ऑप्शन इज़ प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज सेलुलोज तो इसका आंसर क्या है डी ऑप्शन सेल्यूलोज इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं सिक्स में कहा गया द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ए ऑप्शन दिया गया फैट्स बी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट सी ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो फैट्स को भी अब डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को भी प्रोटीन्स को भी इसका मतलब तीनों ऑप्शन इसमें सही है तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं तो इसमें कहा गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल इंटू थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल पायरुवेट टेक्स प्लेस इन तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में ठीक है तो जो ग्लूकोज है वो किस में बदल रहा है पायरुवेट में बदल रहा है ठीक है आपको बताना ये प्रोसेस कहाँ पर होता है ए ऑप्शन दिया गया है साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, सी ऑप्शन इज लाइसोसोम एंड डी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया तो ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है दिस अकर्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन तो देखिए पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है आपको बताना है ये ये प्रोसेस कहाँ पर होता है ए ऑप्शन साइटोप्लांस बी ऑप्शन राइबोजोम्स लाइजोजोम्स एंड डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और इस माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं पावर हाउस ऑफ दि सेल कहते हैं ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा सकता है विच ऑर्गनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल तो आप कहेंगे इट इज माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट इज प्रोटीन डिफिशेंसी कॉजेज क्वाशियोरकर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं इसमें कहा गया क्वाशियोरकर एंड और मेरामस आर द डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ डैश तो किसकी डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर और, और मेरासमस होता है ए ऑप्शन दिया गया फैट्स बी ऑप्शन इज विटामिन सी ऑप्शन इज एंड डी ऑप्शन इज मिनरल्स तो प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं मिनी माथा ठीक है मीना माता डिजीज इज कॉस्ड बाय डैश पॉइजनिंग तो मिना माता डिजीज जो होती है वो किसकी पॉइजनिंग से होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है ए ऑप्शन इज फ्लोरीन बी ऑप्शन इज मरकरी सी ऑप्शन इज आयरन डी ऑप्शन इज फॉस्फोरस तो इसका आंसर है बी ऑप्शन दैट इज मरकरी तो याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए एम से मरकरी और एम से मीना माता नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन इटाईटाई इज कॉस बाय पॉइजनिंग ऑफ डैश तो इटाईटाई डिजीज किससे होती है तो कैडमियम की पॉइजनिंग से होती है याद रखिएगा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है टेक ए स्मॉल फूड क्वांटिटी एंड ऐड कॉपर सल्फेट आपने थोड़ा सा फूड लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया एंड कॉस्टिक सोडा साथ ही साथ उसमें कॉस्टिक सोडा भी ऐड कर दिया इट टर्न्स वॉलेट तो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा वॉयलेट हो जाएगा आपको बताना है ये किसका टेस्ट है ए ऑप्शन फैट्स है बी ऑप्शन इज़ वाइटमिन सी ऑप्शन इज़ प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज़ मिनरल्स ठीक है तो ये जो टेस्ट होता है किसका होता है तो ये टेस्ट है प्रोटीन्स का प्रोटीन्स का टेस्ट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन द रिलीज़ ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज डैश देन इन एन एरोबिक प्रोसेस तो आपको बताना है जो एनर्जी रिलीज़ होती है एरोबिक प्रोसेस में वो कम होती है या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक प्रोसेस तो याद रखिएगा एरोबिक प्रोसेस अगर है तो वो प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है और प्रेजेंस ऑफ एयर में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है एज कम्पेयर टू द हीटिंग और वी कैन से द रिलीज ऑफ़ एनर्जी इन केस ऑफ एनरॉबिक प्रोसेस एनरोबिक प्रोसेस में बर्निंग होती है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ए टी पी इज़ ब्रोकेन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्वेलन टू डैश किलोजूल मोल इज़ रिलीज्ड अब देखिए फॉस्फेट लिंकेज की जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है जब वो ब्रेक होता है ए टी पी में तो आपको बताना है कितने किलोजूल पर एनर्जी रिलीज होती है तो फोर्टीन क्वेश्चन में देखेंगे ए ऑप्शन दिया गया है एट पॉइंट सी ऑप्शन इज थर्टी पॉइंट फाइव थर्टी पॉइंट फाइव किलोजूल पर मोल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें कहा गया ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लुइड मीडियम कॉल डैश इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड तो ब्लड किस फ्लूड मीडियम में uh, होते मतलब ब्लड में कौन सा फ्लूड मीडियम होता है जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं सेल्स मतलब जिसमें आर हो गया डब्ल्यू हो गया प्लेटलेट्स हो गया तो जो फ्लुइड मीडियम होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा ठीक है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेम द द्यूट्रिय दैट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट अब प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है ए ऑप्शन फूड बिल्कुल करता है बी ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड ये भी करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी करता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखें ऑक्सीजन इज कैरीड बाय विच ब्लड सेल तो ऑक्सीजन कौन सा ब्लड सेल कैरी करता है तो ए ऑप्शन आर दिया है बी ऑप्शन इज डब्ल्यू बी सी सी ऑप्शन इज प्लेटलेट्स एंड डी ऑप्शन इज प्लाज्मा तो आर जो है रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को नेक्स्ट इज इफ द एलवियोलर सर्फेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट डैश मीटर स्क्वायर तो आपको बताना है एल्वियोलर सर्फेस जो है ठीक है एल्वियोलाई का जो सर्फेस है एल्वियोलर सर्फेस है अगर उसको स्प्रेड आउट कर दें तो कितना एरिया वो कवर करेगा तो ए ऑप्शन 40 मीटर स्क्वायर 60 मीटर स्क्वायर ठीक है 80 मीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन इज 100 मीटर स्क्वायर तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है 80 मीटर स्क्वायर नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव हाउ मेनी चैम्बल्ड हार्ट तो एम्फीबियन की बात अगर करी जाए या बहुत सारे रेप्टाइल की बात करी जाए तो कितने चैम्बल्ड हार्ट होते हैं इनके इनके होते हैं थ्री चैम्बल्ड हार्ट तीन होते हैं चैम्बर्स इनके हार्ट में हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट डू हैव अब देखिए फिश के कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये आपको बताना है तो वन टू थ्री फोर इज दी ऑप्शन तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है मतलब फिश के टू चैम्बर हार्ट होते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं इसमें कहा गया है अर्थ यूज डैश फॉर देयर रेस्पिरेशन तो अर्थ वार्म रेस्परेशन के लिए क्या यूज करता है ए ऑप्शन इज मॉइस्ट स्किन बी ऑप्शन इज रेफ्रीडिया सी ऑप्शन इज मॉइस्ट क्यूटिकल एंड डी ऑप्शन इज ट्यूब्स तो इसका आंसर हो जाएगा मॉइस्ट क्यूटिकल ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसमें कहा गया एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू तो फ्रॉग जो होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पेरेशन करते हैं तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं याद रखिएगा नेफ्रीडिया जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है किसमें अर्थ वॉर्म्स में ठीक है अर्थ वॉम्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसको नेफ्रीडिया बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल भी हमने बताया था ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं ठीक है इंसेक्ट्स एस्पायर करते हैं ट्रैकल ट्यूब से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है व्हाट इज द काल्टीजनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन साउंड प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है उसको क्या कहा जाता है तो साउंड बॉक्स भी कहते हैं और साथ ही साथ उसको कहते हैं लैरिंग्स तो बी ऑप्शन इसमें सही है एपिग्लॉटिस गलत है फेरिंग्स गलत है नन ऑफ दी एब गलत है तो लैरिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसमें पूछा गया है ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ डैश टाइम्स अ मिनट तो एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑप्शन इज फाइव टू एट सेकंड ऑप्शन इज ट्वेल्ल टू सिक्सटी थर्ड ऑप्शन इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिक्स टू सेवेंटी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेल्व टू सिक्सटी टाइम्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसमें कहा गया ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो कितने मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल तो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है ए ऑप्शन टू बी ऑप्शन थ्री सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन फाइव तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है तो ट्वेंटी फिफ्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सिक्स देखते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू अ सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म देखिए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स uh, फूड को हम लोग जब छोटे छोटे से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन ठीक है तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी देखिए बॉडी में से बॉडी में फूड अंदर ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा तो इंजेशन इज फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज डाइजेशन सी ऑप्शन इज एसिमिलेशन एंड डी ऑप्शन इज एक्सक्रीशन तो इसका आंसर है इंजेशन इंजेशन इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी सेवेंथ का ए ऑप्शन ट्वेंटी एट्स में कहा गया द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहाँ पे इट इज़ अबाउट डैश मीटर आपको बताना है तो किसकी यहाँ लेंथ पूछी गई है तो यहाँ लेंथ पूछी गई है मान लेते हैं शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की ठीक है तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है लेकिन नहीं देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात हो रही है ना तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बतानी है अब देखिए नाम से आपको लगेगा लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है लेकिन नहीं लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है कितनी है वन मीटर है और अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो उसकी लेंथ जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट मीटर्स होती है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड तो जो फीकल मैटर होता है हमारी बॉडी से वो टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ए ऑप्शन इज इंजेशन बी ऑप्शन इज डाइजेशन सी ऑप्शन इज इसमेशन एंड डी ऑप्शन इज ई जेशन तो इसमें ई जेशन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा थर्टी देखिए अपेंडिक्स वॉज हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग डैश अपेंडिक्स किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ए ऑप्शन इज फैट्स बी ऑप्शन इज प्रोटीन सी ऑप्शन इज रफेज एंड डी ऑप्शन इज वाइटामस ठीक है तो यहाँ पे रफेज जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर तो अपेंडिक्स किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है रफेज को थर्टी वन नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है ए ऑप्शन इज पैनक्रियाज लिवर पीनियल एंड डी ऑप्शन इज ब्रेन तो इसमें लिवर जो है ह्यूमन जो ही लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में कहा गया था बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ डैश तो बाइल किस चीज़ के डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है ये आपको बताना है ए ऑप्शन इज फैट्स बी ऑप्शन इज प्रोटीन सी ऑप्शन इज रफेज एंड डी ऑप्शन इज वाइटाम तो इसका आंसर क्या है फैट्स इसका सही आंसर होगा ठीक है तो बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में कहा गया नेम द प्रो प्रोटीओलिक्टिक इंजाइम ठीक है फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन द डायजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जो इंजैम मदद करता है जो कि ह्यूमन बेबी में प्रजेंट होता है उसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड रेन इन बी ऑप्शन करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थर्टी फोर देखिए द यूरन कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वाटर तो यूरिन में कितना पानी होता है तो नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर होता है इस चीज़ को याद रखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में कहा गया व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स तो एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को उसमें मेनली क्या क्या होता है तो ए ऑप्शन अमोनिया बी ऑप्शन इज यूरिया एंड सी ऑप्शन इज यूरिक एसिड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वट इज़ द वेट ऑफ ईच किडनी ऑफ ह्यूमन बींग तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट होता है हर एक किडनी का वो कितना होता है वन फिफ्टी ग्राम होता है ठीक है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ऑन एन एवरेज वॉट अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाई द किडनीज़ पर मिनट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पर मिनट किडनीज कितना ब्लड फिल्टर करती हैं ये आपको बताना है ठीक है तो पर मिनट जो किडनी है वो कितना ब्लड फ़िल्टर करेगी अप्रॉक्सीमेटली 1100 हंड्रेड होता है लेकिन ऑप्शन 1000 एम दिया हुआ है तो हम लोग 1000 एम को लेकर चलेंगे वैसे 1100 हंड्रेड के आसपास किडनी जो होती है ब्लड फिल्टर करती है एक मिनट में ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट नेफ्रॉनस इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ तो देखिए नेफ्रॉन की बात करी जाए तो ए ऑप्शन ब्रेन बी ऑप्शन इज हार्ट सी ऑप्शन इज़ किडनी एंड डी ऑप्शन इज़ लंग्स तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है ठीक है और अगर न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है तो न्यूरॉन वुड बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अब आपको बताना हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसमें कौन से हैं हेट्रोट्रॉफिक होते क्या हैं जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं तो ओनली एनिमल्स ओनली फंजाए या बोथ एनिमल्स एंड फंजाए तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा दैट इज बोथ एनिमल्स एंड फनजाए फट्टी देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इन कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रजेंस ऑफ डैश तो प्लांट्स आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ठीक है बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ती है आपको बताना उनमें से क्या है सिर्फ सनलाइट की जरूरत पड़ेगी सिर्फ क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी या दोनों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आंसर है बोथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस को होने में फोर्टी वन में कहा गया था कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर वो यूज़ नहीं हो पाते पूरे पूरे ठीक है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं ये आपको बताना है तो दे आर स्टोर्ड याद रखिएगा दे आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा ठीक है तो इसमें जो बी ऑप्शन आपको दिया गया है बी ऑप्शन मतलब स्टार जो दिया गया है दैट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं 42 में कहा गया नेम द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा जिसको अमर बेल कहेंगे टिक्स और लाइक लाइचेस ठीक है जो लीच होती हैं लाइस या लीचेस जो होती हैं उनकी बात करी गई है तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको क्या कहेंगे हम लोग ए ऑप्शन पैरासिटिक बी ऑप्शन इज ऑटोट्रॉफिक सी ऑप्शन इज सेप्रोट्रॉफिक एंड डी ऑप्शन इज होलोजोइक तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए 43 में कहा गया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड आपको बताना है इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन से हैं तो ए ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिया एंड वायरस बी ऑप्शन इज बैक्टीरिया एंड फंजाई सी ऑप्शन इज ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड डी ऑप्शन इज ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया तो 43 में अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया जिसको जैसे ब्लू ग्रीन ठीक है जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और साथ ही साथ ग्रीन प्लांट जो होंगे वो तो ऑटोट्रॉफ होंगे ही होंगे ठीक है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है फोर्टी फोर में कहा गया है अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज आपको बताना है एलिमेंट्री कैनाल के साथ इनमें से कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं है ठीक है तो ए ऑप्शन दिया गया है लिवर बी ऑप्शन दिया गया है सलाइवरी ग्लैंड सी ऑप्शन दिया गया है पेनक्रियाज एंड डी ऑप्शन दिया गया है एड्रीनल ग्लैंड तो इसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये क्या करती है एड्रीनलिन हार्मोन से क्रिएट करती है और इसका कोई भी फंक्शन डाइजेशन में नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट इज 45 फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड बाय स्टमक तो स्टमक किस चीज़ को मेनली डाइजेस्ट करने में मदद करता है ए ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स बी ऑप्शन इज प्रोटीन्स सी ऑप्शन इज लिपिड्स एंड डी ऑप्शन इज फैट्स तो फोर्टी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर है प्रोटीन्स तो जो हमारा स्टमक है वो मेनली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज फोर्टी सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन जो होता है वो मेनली क्या होता है ए ऑप्शन इज एब्जॉपन बी ऑप्शन इज एसिमिलेशन सी ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ फैट एंड डी ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन और किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन मेनली ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वट इज़ ऑलसो कॉल्ड ईसोफेगस तो ईसोफेगस क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन इज ईलियम सेकेंड ऑप्शन इज फूड पाइप थर्ड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज विंड पाइप तो ईसोफेगस को हम लोग और क्या कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टी एट देखिए द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाई ईस्ट नॉर्मली ईल्ड्स तो देखिए ईस्ट से जब फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज का तब क्या बनेगा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो एल्कोहल कार्बन मोनोऑक्साइड 36 सिक्स ए ये बनेगा कि सी ओ टू एच टू और थर्टी सिक्स ए बनेगा कि एल्कोहल सी ओ और टू ए बनेगा ठीक है तो यहाँ पर सी ओ नहीं होगा यहाँ पर सी ओ टू होगा तो एल्कोहल बनेगा सी ओ टू बनेगा और टू ए बनेगा इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है ठीक है फोर्टी एट का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाई दी लंग्स तो हमारी जो लंग्स हैं वो किस चीज़ को रिमूव करने में मदद करती हैं ये आपको बताना है तो सी ओ और एच टू ओ ठीक है सी ओ ओनली एच टू ओ अमोनिया ठीक है तो यहाँ पर लंग्स में भी देखेंगे तो आप ये सी ओ नहीं सी ओ टू होना चाहिए मेनली तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है तो फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो देखिए यहाँ पे एच टू दे दिया गया है लेकिन हमारा लंग्स जो है वो वाटर कभी भी रिलीज नहीं करता वाटर कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं करता है तो रिमूवल किसका होता है सिर्फ सी ओ टू का होता है तो इसमें बी ऑप्शन जो है सी ओ टू जो होगा वो सही हो जाएगा ठीक है तो इसमें बी ऑप्शन सही है याद रखिएगा इसमें एच टू ओ गलत है एच टू ओ तो जो हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं जो इवापोरेशन होता है उससे बाहर निकल जाता है बॉडी में से तो इसमें ए ऑप्शन नहीं इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज सी ओ टू नेक्स्ट देखते हैं फिफ्टी में क्या कहा गया इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू अब आपको बताना है रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एयर है वो किस तरीके से पास होगी तो सबसे पहले नेसल कैविटी आएगी फिर फैरिंग्स आएगा फिर लैरिंग्स आएगा फिर ट्रैकिया बॉनक्राई और फिर ब्रॉनक्यूल्स तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड तो देखिए जो वाटर वेपर है वो निकल जाएगा स्टोमेटा से ठीक है आपको बताना है जो वाटर लॉस होता है वो किस प्रोसेस से होता है ए ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेशन बी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन सी ऑप्शन इज गटेशन एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा दैट इज ट्रांसपीरेशन 52 में कहा गया इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो कंप्लीटली इनक्लोज किस में रहता है तो ए ऑप्शन इज वेसल्स बी ऑप्शन इज हार्ट सी ऑप्शन इज स्केलेटन एंड डी ऑप्शन इज साइनस तो इसमें आपको पता होगा हमारे पास वैसल्स हैं वेसल्स में आर्टरीज होती हैं वेंस होती हैं कैपिलरीज होती हैं तो इसी में क्लोज सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में जो ब्लड होता है वो हमेशा वेसल्स में ही फ़्लो करता है या इनक्लोज रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है इसमें कहा गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक तो सिस्टोलिक का मतलब होता है हाई बीपी और डायस्टोलिक का मतलब होता है लो बीपी और हाई बीपी जो नॉर्मल पर्सन का होगा वो हो जाएगा 120 ट्वेंटी एम एम ऑफ एच जी और जो लो बी हो जाएगा वो हो जाएगा एट्टी एम एम ऑफ एच जी एच जी क्या होता है एच जी इज मरकरी इस बात को आप लोग जरूर याद रखेगा कि एच जी इज वॉट एच जी इज मरकरी क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं फिगमोमेनोमीटर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55 इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ठीक है ए ऑप्शन दिया गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोल्ड इन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट बी ऑप्शन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फ्लैट वॉम्स आर फ्लेम सेल्स सी ऑप्शन दिया गया ह्यूमन किडनीज हैज़ अबाउट वन मिलियन ने देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है वन मिलियन नेफ्रीडिया नहीं होते वन मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स नहीं नेफ्रॉन्स होते हैं ठीक है तो इसमें यही जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो गलत है बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़ ये भी सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स में कहा गया विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर तो बाइल लिवर से कौन रिसीव करता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में ए ऑप्शन दिया गया स्टमक बी ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन डी ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन डी ऑप्शन इज डी सोफेगस तो इसका आंसर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन इज दी करेक्ट आंसर ये एक्जाम्पलर का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी सेवन देखते हैं वेन एयर इज ब्लोन इन माउथ फ्रॉम माउथ टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर देखिए एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें लाइम वाटर था लाइम वाटर में क्या किया गया लाइम वाटर मिल्क ही हो गया बताना है किसकी प्रेजेंस में तो देखिए सी ए ओ है और इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है सी ओ टू से क्या बन जाता है सी ए सी ओ थ्री बन जाता है ठीक है तो ये प्रेजेंस था इसका मतलब जो हमारे सांस में हमारे जो एयर जो थी ठीक है जो हम लोग आउट कर रहे थे उसमें क्या प्रेजेंट था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही किस कलर का हो जाता है ये होता है वाइट ठीक है ये याद रखिएगा आप लोग ये सी ए ओ नहीं होगा ये सी ए ओ एच होगा क्योंकि लाइम वाटर लिया गया है तो सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ बन जाएगा ठीक है और ये सी सी ओ थ्री क्योंकि वाइट होता है तो इस इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइम वाटर था सी एच होल्ड टॉयज ये कैसा हो गया मिल्की हो गया फिफ्टी एट है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथिस कम फ्रॉम डैश तो जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहां से आती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट कहा गया है वाटर सेकेंड इज क्लोरोफिल थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ इज ग्लूकोज तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन दैट इज वाटर तो पानी से आती है वो ऑक्सीजन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द प्लेस वेयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज कम टुगेदर इज कॉल्ड तो जहां पर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पैसेज एक साथ आते हैं उनको क्या कहा जाता है उस पॉइंट को कहा जाता है फेरिंग्स ठीक है तो फिफ्टी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देखते हैं हाउ मेनी चैम्बर्स डू बर्ड्स हैव अब आपको बताना है बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अब आपको पता होगा जो बर्ड्स होती हैं वो कितने कैसी होती हैं तो इनको भी मैमल्स कह सकते हैं और मैमल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें दो ऑरिकल्स हो जाएंगे या एट्रियम हो जाएंगे और दो वेंट्रिकल्स हो जाएंगे तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा फोर विल बी द करेक्ट आंसर द टीथ कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइ लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इसकॉल्ड तो जो टीथ होती है वो येलोइश लेयर से कवर हो जाती है ठीक है तो उसको क्या कहा जाता है तो ए ऑप्शन इज फ्लोरिन बी ऑप्शन इज प्लेग सी ऑप्शन इज इनेमल एंड डी ऑप्शन इज मोलर्स तो इसका आंसर है बी ऑप्शन प्लेग ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद तो ये स्टार्च टेस्ट होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तो स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी विच स्टैंड फॉर तो ए टी पी का आपको फॉर्म बताना है तो ए टी पी का फुलफॉर्म याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है ए से हो जाएगा एडिनोसिन टी से हो जाएगा ट्राई और पी से हो जाएगा फॉस्फेट ठीक है क्वेश्चन सिक्सटी फोर में कहा गया द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ लंग्स तो लंग्स के किस पोर्शन में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो ए ऑप्शन इज एलवियोलाई बी ऑप्शन इज ब्रॉनक्यूल सी ऑप्शन इज वॉल एंड डी ऑप्शन इज बोलस तो बोलस तो इसका पार्ट ही नहीं है तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा एलवियोलाई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है तो ए ऑप्शन इज आर बी सी ऑप्शन इज प्लाज्मा एंड डी ऑप्शन इज प्लेटलेट्स तो प्लाज्मा इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है इसमें कहा गया व्हाट आर दी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट तो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं ओनली गम्स ओनली both बोथ ए एंड बी of दी above. तो दोनों के दोनों प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी 67 देखते हैं 67 में क्या कहा गया नेम द साइट ऑफ फोटो सिंथिसिस इन अ सेल तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है किसी सेल में ए ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया बी ऑप्शन इज लाइजोजोम सी ऑप्शन इज दोमेटा एंड डी ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट इज दी एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ठीक है द्वेशन सी एट देख लेते हैं विच ऑफ द ब्लड ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लॉटिंग क्लॉटिंग ऑफ ऑफ ब्लड में कौन मदद करता है तो ना आर डब्ल्यू बी सी करता है ना आर बी सी करता है ना प्लाज्मा करता है क्या करता है प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंट सिक्सटी नाइन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू फ्लोएम तो फ्लोएम के थ्रू जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस के जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स थे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्लोएम के थ्रू अब आपको बताना इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ए ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन बी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन सी ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड डी ऑप्शन इज सर्कुलेशन तो ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन सेवेंटी देखते हैं सेवेंटी में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीअब्जॉर्ब बाई किडनी किडनी किस चीज़ को रीअब्जॉर्व करती है अमोनिया अमीनो एसिड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड तो इसका आंसर है अमीनो एसिड्स तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है तो री अमीनो एसिड्स का होता है सेवेंटी वन देख लेते हैं विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स री टेक प्लेस तो री कहाँ पर होता है नेफ्रॉन्स में तो ये होता है ट्यूबुलर पार्ट में डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द फ्राम द किडनी इज द यूरिन गोज इन टू द यूरनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक अब देखिए जो किडनी से यूरिन पहुँचती है यूरिनरी ब्लैडर में वो एक ट्यूब के थ्रू पहुँचती है उस ट्यूब को क्या कहते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है यूरिथ्रा यूरेटर्स और एनस तो सेवनटी टू में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यूरेटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री वॉट इन्श्योर्स डेट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड वेन एट्री और वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो एट्री और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन प्रिवेंट करता है ब्लड के बैक फ्लो को तो आर्टरीज वेन्स वॉल्व या कैबलरीज तो इसका आंसर है वॉल्वस तो वॉल्स इसी काम को काम के लिए लगे, लगे होते हैं नेक्स्ट इज एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव डैश चम्बल्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स ठीक है तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम के मिक्स होने को टॉलरेट करते हैं कौन एम्फीबियस और कुछ इरेप्टाइल इनका हार्ट कैसा होता है तो थ्री चैम्बल्ड हार्ट होता है सेवेंटी फाइव द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैल थर कोल्ड ठीक है तो यहां पर आपको बताना है तो थिक वॉल जो होती हैं वो किसकी होती हैं तो यहां पर है कैपेलरीज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स कंसिडर द टू स्टेटमेंट यहां देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए आर्टरीज आर दी वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्राम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी सही है सेकेंड में कहा गया सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्राम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स ठीक है तो ये थिक इलास्टिक वॉल्स होंगी आर्टरीज की ये बात याद रखिएगा दोनों बातें बिल्कुल सही है क्योंकि हार्ट से खून निकल रहा है तो जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा हाई प्रेशर का होगा दोनों बातें सही हैं तो इसका बोथ ऑप्शन वन एंड टू इज़ करेक्ट सेवेंटी सेवन में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेंस एंड ब्रिक बैक टू हार्ट बिल्कुल ठीक है वेन्स का काम यही होता है दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स वेन में वॉल्स थिक नहीं होती क्यों क्योंकि हार्ट थे निकल रहा है तो ब्लड के बॉडी पार्ट से निकल रहा है तो ये भी बात सही है दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर्स द ब्लड टू फ्लो इन टू डायरेक्शन तो वॉल्स का काम ये नहीं होता है कि वो टू डायरेक्शन से ब्लड को फ्लो कराए इसका काम ये होता है कि ब्लड को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराए तो इसमें सी ऑप्शन इनकरेक्ट है सेवेंटी एट uh, देखते हैं टिश्यू फ्लूड इज ऑल्सो कॉल्ड तो टिश्यू फ्लूड को और क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है लिम्फ ठीक है सेवनटी नाइन में वॉट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्राम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूड फ्राम एक्स्ट्रा सेल्यर स्पेस बैक इन टू द ब्लड तो ये जो फंक्शन दिया गया है किसका फंक्शन है तो लिम्फ का ही ये फंक्शन है नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड तो देखिए जो वाटर है वो लॉस हो जाता है चला जाता है ठीक है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा तो ए ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेशन बी ऑप्शन इज ट्रांसपीरेशन सी ऑप्शन इज गटेशन एंड डी ऑप्शन इज ट्रांसलोकेशन तो अभी हमने देखा था दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन इट टीवन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूवर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांस लोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नोन एज तो आपको बताना है जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है ठीक है जो सोल्यूबल प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और ट्रांसलोकेट हो रहा है ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है तो ये प्रोसेस होता है फ्लोएम के थ्रू तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 82 में कहा गया द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर डैश तो किडनीज़ का मेनली काम क्या होता है तो ए ऑप्शन इज न्यूट्रिशन गलत है रेस्पिरेशन गलत है एक्सक्रीशन इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है एक्सक्रीशन में किडनीज हेल्प करती हैं एट्टी थ्री देखते हैं द जयलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दायलम का काम क्या होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ दी करेक्ट आंसर फूड को ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है तो फ्लोएम से होता है ठीक है फ्लोएम से होता है ये बात आप याद रखेंगे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर द आटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स अब ऑटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी वाटर की होगी बिल्कुल सही है क्लोरोफिल की होगी बिल्कुल ज़रूरी है सनलाइट की होगी ये भी जरूरी है लास्ट तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन तो के थ्रू फूड कौन इनटेक करता है ए ऑप्शन इज फिश बी ऑप्शन इज हाइड्रा सी ऑप्शन इज अमीबा एंड डी ऑप्शन इज बटरफ्लाई तो सी ऑप्शन अमीबा इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट्टी तो आज के लिए हमारे पास एट्टी फाइव क्वेश्चन यही थे जो भी हमने डिस्कस किए तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं बाकी लाइफ प्रोसेस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग ने सीरीज़ बनाई है तो उसको जाइए पढ़िए और अच्छे से नंबर लेके आइए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे थैंक यू वेरी मच गुड बाय जय हिंद